रोल क्या, बहुत ही जज्बाती एल्बम है और इसमें एक जज्बाती गजल मुझे गाने के लिए मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस गजल के लिखने वाले जो हमारे पोइट हैं श्री पंचित जलोनवी साहब और म्यूजिक डायरेक्टर समीर साहब, और इसमें काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, काफ़ी मतलब चार सिंगर्स हैं हम लोग। तो एक गजल बहुत ही बेहतरीन मिली है मुझे गाने के लिए, जिसका इस तरीके से है कि तुम गए तो मुकम्मल हो गया हूँ मैं। तो बहुत ही अलग ख्याल है, आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। गजल का दौर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर तरह के गाने को सुनने के लिए अलग ऑडियंस होती है। आज अपने घर में भी आप जैसे जैसे देखते हैं कि उम्र के साथ हर चीज़ का टेस्ट बढ़ता जाता है। बचपन में आपको पैपी नंबर पसंद आते हैं, उसके बाद में थोड़े से आप सिंसियर हो जाते हैं तो आपको रोमांटिक नंबर समझ में आते हैं, जब आपके पास दिल टूटता है या आपको किसी से मोहब्बत होती है आपको गजल समझ में आती है। तो गजल का दौर कभी नहीं जाएगा। पहले के दौर काफ़ी, हाँ ये बात सही है आपकी, लेकिन गजल कभी कम नहीं हो सकती, ना सुनने वाले कम हो सकते हैं। और पहले क्या था कि मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तो पहले लाइव शो करते थे सिंगर्स जगह जगह पे जाके, तो माउथ पब्लिसिटी से वो लोग स्टार बन जाते थे। आज मीडिया में गज़लों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी गज़ल गायक जो हैं वो अपना मकाम कहीं ना कहीं बनाए लेते हैं, उनकी ऑडियंस अलग है। मेरी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, प्रीतम सर के साथ में कुछ गाने आ रहे हैं मेरे, अमित त्रिवेदी सर के साथ में आ रहे हैं, शंकर एहसान लोई सर के साथ में आ रहे हैं, विशाल सर के, तो जून जुलाई में आपको सुनने मिलेंगे मेरे गाने। हाँ इसमें दूरियों ने कर दिए मुझ पे ऐसा कई, याद तेरी मेरी दिल में उजरा हुआ कल हो गया मैं, बिखरा हुआ पल हो गया मैं, तुम गए तो मुकम्मल हो गया मैं, मुकम्मल 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 हो गया मैं। बहुत बहुत खुश हूँ दैट इतना अच्छा एल्बम आज पंचित जी इधर आगे ओके बहुत खुश हूँ कि आज इतना अच्छा एल्बम पंचित जी ने लॉन्च किया है। और पंचित जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, हम लोग सरेगामा पास से हम लोग एक साथ काम करते थे, और जब मेरा पहला एल्बम आया था सुकून, उस एल्बम के सारे गाने पंचित जी ने लिखे थे, और तब से हम लोग एक साथ काम करते हैं। और ये इतना अच्छा कंपोजिशन और इतना एक हर किसी के दिल के जज्बात इस एल्बम में है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एल्बम, और आशा करती हूँ कि कामनाएँ करती हूँ कि इस एल्बम को बहुत 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 कामयाब। मेरा जो गाना है स्पेशली ये बहुत एक अलग, उस गाने का एक अलग फील है, एक अलग सिचुएशन है, एक किसी का इंतज़ार है उस गाने में, और किसी के इंतज़ार में अगर कोई राह ताके बैठा है तो उस इंतज़ार पे लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। और दो लाइन खिड़की से कमरे जब दिल के जज्बात हो ऐसे में तुम आ जाओ तो कोई बात हो। हाँ जी, जज्बात के बारे में क्या कहेंगे, आपने सुना ही होगा। जज्बात के बारे में देखिए, ये एक कलाकार के जज्बात जब किसी किसी सुरीले धागे में गूंथ के
जब पिरोए जाते हैं फनकारों के लिए, तो वो एक वो जो माला तैयार होती है वो ये वो जज्बात हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे जज्बातों के लिए हमें दावत मिली है, और रियली हैप्पी कि संचय थी और इनके लिए ये जज्बात है। और हम देखिए जहाँ जहाँ जज्बात शेयर होते हैं कलाकारों को अच्छा लगता है वो शेयर करते हैं, हम शेयर करने के लिए शिरकत है हमारे आज के दौर में तो देखिए एफर्ट बहुत पॉजिटिव है, बहुत ईमानदारी से किए हुए एफर्ट्स हैं ना, वो कभी ज़ाया नहीं होते। कलाकार को एफर्ट्स एफर्टलेस होना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो यार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, फिल्में बनना बंद हो जाएगी, गाने गाना बंद हो जाएंगे लोगों के। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है, ईमानदारी है इसमें, और जितनी ईमानदारी के साथ कलाकारों ने एफर्ट लिया मैं देख रहा हूँ कि मुझे ट्यून बड़े अच्छे लगे। लेकिन मेरा नाता सुबह से उतना ही है जितना एक कलाकार से पर्दे से होता है, बॉलीवुड के दर्शकों का पर्दे से होता है। मेरा भी मैं भी चाहता हूँ सुरों को, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं तो मुझे अच्छा लगता है सभी जानकार और अच्छे कलाकारों को सुनना। आपके अंदर में क्या कहना चाहिए आपके अंदर? मेरे अंदाज में मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सेम टू यू। जज्बात जज्बात के सारे कलाकारों को सारे टीम को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बीइंग नवीन प्रभाकर नहीं हो गया मेरा आगे बात जी सर बताइए। लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, मुझसे बिछड़ के कोई भी तुस्सा नहीं मिला। कितना अजीब होता है गुर्बत का दौर भी, बेटी जवान घर में है रिश्ता नहीं मिला। और जज्बात की बात तो यही है कि जज्बात अलग अलग तरीके से उमड़ते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि न्यू प्रोजेक्ट जो जज्बात के नाम से रिलीज़ हो रहा है और बहुत अच्छा सभी लोगों ने गाया है, और उसके साथ साथ संचित जी का बर्थडे भी है उसको भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और बस यही मेरे से ऑल द बेस्ट, ये भी एक अपना परचम लहराए एल्बम जिसे हम लोग मिलकर सुने। फिल्में काफ़ी फिल्म आ रही हैं भी, आपको नए नए फिल्में सुनने को जल्दी आपको बहुत अच्छे गाने मिलेंगे। अच्छा अपने कमरे में मैं अपने कुछ गानों से जैसे फिल्म अभी दावते तोड़ के दिल की सारी एतबारियां छड़ के चली गई, देखी तेरी आरियां तेरी धोखेबाजियां जादू टोने वालियां वार वीरा वालियां जादू टोने वालियां ओ जादू टोने वालियां वे जादू टोने वाली डोरे डोरे डालियां वे डोरे डोरे डालियां। Thank you.